साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लघु उद्यमी बनाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले, जो सामान हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े करोड़ों गरीब बनाते हैं, जो दशकों से हमारे यहां बनता रहा है, गलियों मोहल्लों में बिकता रहा है, उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रवृत्ति, इस पर भी हमने आत्मसंयम बरतना है, हमें नियंत्रण करना है। हम इन छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों से केवल चीज ही नहीं खरीदते, पैसे ही नहीं देते, उनके परिश्रम को पुरस्कृत करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। कभी सोचना, आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपाथ पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरीदी, वो पैसे नहीं गिनेगा, वो तो उसकी छाती फूल जाएगी, देखिए मर्सिडीज गाड़ी वाला भी फुटपाथ पर मैं भले बैठा हूं लेकिन उतर करके मेरे से सामान खरीद रखा है, उसकी जिंदगी को एक ताकत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो कितना गर्व महसूस करता है। इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। साथियों, सालों पहले, दशकों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था, द सिंपलेस्ट मेथड टू बी वर्क अपॉन एट प्रेजेंट इज टू इंड्यूस इंडियंस टू यूज देयर ओन प्रोड्यूस एंड गेट मार्केट फॉर इंडियन हार्डवेयर इन अदर कंट्रीज। स्वामी विवेकानंद जी का बताया ये मार्ग पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत की प्रेरणा है। अब देश प्रण कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। एमएसएमई की डेफिनेशन, सालों से लटकी हुई बात, उसका दायरा बढ़ाना हो या एमएसएमई के सपोर्ट के लिए हजारों करोड़ के स्पेशल फंड्स की व्यवस्था हो, ये सब आज सच्चाई बन रहे हैं। आईबीसी से जुड़ा फैसला हो, छोटी छोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट की फास्ट ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन हो, ऐसे अनेक कार्य पहले ही हो चुके हैं। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए
जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आए, आगे आए। मेरे युवा साथी आप आगे आएं।